जय माता दी। दोस्तों, हमारे चैनल आर्टिस्टी होम पे आपका स्वागत है। आज हमने इस वीडियो में क्विलिंग स्ट्रिप से अष्टभुजाधारी माँ शेरावाली का यह आइडल बनाया है। ये देखिए, इसमें हमने किस तरह से ये आठ भुजाएं, अस्त्र शस्त्र सारे किस तरह से हमने बनाया है। साथ में हमने शेर बनाया है, उस पे हमने माता रानी को बैठाया है। देखिए हमारी माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइन तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमने 5 mm का स्ट्रिप लिया है। इसको 10 स्ट्रिप एक साथ हमने स्ट्रिप स्टिक कर लिया है और इसको टाइट कॉइल बना लिया है। अब इससे हम लाइन का बॉडी तैयार करेंगे। अपने फिंगर के मदद से हम इस तरह से इसको बढ़ा लेंगे डोम शेप में, और पीछे थोड़ा सा फ्लैट ही रखेंगे, बहुत कोन जैसा नहीं निकालेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमने ये एक और तैयार कर लिया था। ये सेम साइज का बन गया है। अब इसके अंदर हम फेविकोल फिल कर देंगे। अब ये ड्राई हो जाएगा, तब तक हम लाइन का फेस तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने 3 mm का स्ट्रिप लिया है और इससे थोड़ा सा डार्क कलर कर लिया है। इससे हम फेस तैयार करेंगे। ये हमारी 6 स्ट्रिप हमने एक साथ स्टिक करके टाइट कॉइल बना लिया है। ये हल्का सा हमने डोम शेप में इसको उठा दिया है और इसको हम थोड़ा सा हमने देखे इधर से डोम शेप बना के, और फिर इसके बाद से ये हमने टू साइड डोम बनाया है। इसको हम यहाँ पर स्टिक करेंगे तो इस तरह से इसको बेस मिल जाएगा, इसलिए हमने दो साइड से डोम बनाया है। अब इन दोनों को हम फेविकोल फिल कर देंगे। ये दोनों ड्राई हो गया है। अब इसको हम स्टिक करेंगे। इस ये भी हमारा ड्राई हो गया, तो इसको हम पहले स्टिक कर देंगे अपना। इसके ऊपर हम एक स्ट्रिप इस तरह से लगाकर इसको पूरी तरह से सिक्योर कर देंगे। अब हम इस पे अपना लाइन का फेस तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने ये हाफ हाफ स्ट्रिप का 3 mm का टाइट कॉइल तैयार किया है। इसको हम दोनों साइड लगा देंगे। यहाँ पे एक तो ये देखिए, छोटा सा हमने रेड कलर का हल्का सा टीयर ड्रॉप बनाया है, इसको यहाँ लगा देंगे। ये हमने 10 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप लिया है, इससे हम छोटा सा आई शेप में बना के इसको हम हल्का सा राउंड शेप में घुमा देंगे, इस तरह से हाफ सर्कल के शेप में लाइन का मुंह बनाने के लिए लगा देंगे। इसके बाद से हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का ब्लैक और 5 सेंटीमीटर का ऑफ वाइट कलर का 3 mm स्ट्रिप से हम आईज बनाएंगे।
से छोटा सा हम आई शेप में बनाएंगे इसको, और इसको थोड़ा सा तिरछे में आइस का लुक देते हुए शेप देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमने वन और तैयार कर लिया है। दोनों को यहाँ पर हम स्टिक कर देंगे। ये तैयार हो गया। अब हम लायन का यहाँ पे जो हेयर होता है हम उसको बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये ब्राउन कलर का हमने ये 3-3 सेंटीमीटर के स्ट्रिप कट कर लिए हैं। इसी से हम इस तरह से स्ट्रिप को कर्व करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बना लेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे और भी बना लिया है। इसको हम इस तरह से हम यहाँ पे चिपका देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से चारों तरफ हम पूरा इसको स्टिक कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमने चारों तरफ लगा दिया है। अब यहाँ पर हम वन लेयर और लगाएंगे, जिससे कि थोड़ा सा एयर जो है वो घना दिखे। ये इस तरह से हम डबल लेयर में चारों तरफ लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने सेकंड लेयर भी पूरा लगा दिया है। अब इसके बाद से इसको हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। ये हमारे लाइन का फेस तैयार हो गया है। अब हम अपने लाइन के लिए इसके लिए लेग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने ये 5 mm का स्ट्रिप लिया है। इसको 2 स्ट्रिप हमने एक साथ स्टिक कर दिया है। नीचे से हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट कर देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमने और भी लग बना लिया है। ये देखिए, सेम साइज का हो गया है। अब इसमें भी हम अभी कोल फिल कर देंगे। ये देखिए, ये हमने फेस और ये चारों देखिए लेग स्टिक कर दिया है इस पर। अब इसके बाद से यहाँ पे हम नीचे पाँव बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये यहाँ पर 14 सेंटीमीटर का हमने ब्राउन कलर का स्ट्रिप लिया है। इससे ही तैयार करेंगे। ये इसी तरह से हमने ये 2 और बना लिया है। और हम इसको स्टिक कर देंगे इस पर। ये देखिए, ये स्टिक हो गया। अब इसके बाद से हम इसकी पूंछ तैयार करेंगे।
तो ये ब्राउन कलर का हमने स्ट्रिप लिया है और इसको हम अपने नीडल पर इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। इसको इस तरह से ये देखिए ये तैयार हो गया। और एक हमने छोटा सा यहाँ पे टीयर ड्रॉप बनाया है, इसको इसी में पीछे हम लगा देंगे। ये देखिए ये हमारा लॉइन बन के तैयार हो गया है। अब हम माता रानी बनाएंगे। इसके लिए ये हमने 5 mm स्ट्रिप लिया है और 10-10 स्ट्रिप स्टिक करके टाइट कॉइल तैयार कर लिया है। अब इससे हम माता रानी का बॉडी तैयार करेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा लंबे में बढ़ा लेंगे। ये देखिए और दूसरे वाले को भी हम बढ़ा लेंगे, लेकिन इसमें हम हल्का सा करेंगे। ये देखिए बस इतना। इसके बाद से हमने यहाँ पे 1 mm स्ट्रिप से 2 स्ट्रिप का एक टाइट कॉइल तैयार किया है। इसको हम यहाँ पर रखकर स्टिक कर देंगे और दोनों में हम फेविकोल फिल कर लेंगे। ये ड्राई हो गया है, अब इसको हम स्टिक कर देंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिप रेड कलर का 5 mm का हमने टाइट कॉइल ले लिया है। अब इससे हम माता रानी का लेग तैयार करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसको अपने फिंगर पे बढ़ा लेंगे। इसको नीचे से हम थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। ये देखिए ये बन गया है। और एक हमने दूसरा भी टाइट कॉइल 2 स्ट्रिप का ही बना लिया है। ये इसको हम यहाँ इससे कवर कर देंगे और इसको हल्का सा हम इस तरह से बैंड कर देंगे। ये अब इसमें हम फेविकोल फिल करके दोनों में फेविकोल फिल करके इसको इस तरह से स्टिक कर देंगे। ये देखिए ये तैयार हो गया। अब इसी तरह से हमने ये एक और बनाया है, ये थोड़ा सा हमने बड़ा रखा है। इसको हम यहाँ स्ट्रेट यहाँ लगाएंगे और इसके बाद से इसको यहाँ, तब इसके बाद से हम फेस तैयार करेंगे। फेस तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे 6-6 स्ट्रिप का ये स्किन कलर का और येलो कलर का टाइट कॉइल तैयार कर लिया है। इससे हम माता रानी का फेस तैयार करेंगे। इसको भी हम हल्के हाथ से डोम शेप में बना लेंगे। इस येलो वाले से भी दोनों में ही हम फेविकोल फिल कर देंगे और उसके बाद से दोनों को एक साथ स्टिक कर देंगे।
ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे। अब हम हैंड बनाएंगे, तो इसके लिए हमने ये टाइट कॉइल ले लिया है। ये टू स्ट्रिप का टाइट कॉइल है और ग्रीन कलर का हमने लिया है वो 2.5 स्ट्रिप। ये थोड़ा सा बड़ा हमने लिया है और ये छोटा। अब इससे हम कोन बनाएंगे। और इसके बाद से नीचे का हम फ्लैट कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बैंड कर देंगे। ये देखिए, ये हमने दूसरा वाला लिया था, इसको हल्का सा राउंड शेप में घुमा के और इसके साथ यहाँ पे हम स्टिक कर देंगे। इसमें हम फेविकोल फिल कर देंगे। इसे ग्रीन वाले से भी हम इसी तरह से बना लेंगे डोम शेप में। इसको हम यहाँ पे दोनों को एक साथ इस तरह से ये स्टिक कर दिया है। अभी हमने जो ग्रीन कलर का बनाया है इसको भी हम इसी के साथ यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये हैंड बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम 4 वन साइड और 4 वन साइड करके 8 हैंड तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा 4 4 4 8 हमने हैंड तैयार कर लिया है। अब इसके बाद से इसका हम पाम बनाएंगे, तो इसके लिए हमने 1 mm का स्ट्रिप लिया है। इसी से एक टाइट टीयर ड्रॉप बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से यहाँ पे हमने और भी बना लिया है। अब इसके बाद से हम हैंड सेट करेंगे। ये थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको हल्का सा ऐसे ऊपर उठा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये तीसरा थोड़ा सा और, ये इस तरीके से हम इन तीनों को स्टिक कर देंगे। और उसके ऊपर से ये हमने चौथा जो है हम इसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर देंगे। और इसको यहाँ स्टिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से स्टिक कर देंगे। तो हम ये देखिए ये हमारा हैंड स्टिक हो गया है। अब इसके बाद से ये हम लेग पर, ये हमारे पास बॉल चेन है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से स्टिक कर देंगे दोनों ही लेग में। और साथ ही साथ में हम यहाँ पे ग्रीन बॉर्डर पे हम गोल्डन चेन लगा देंगे। ये देखिए ये हमारा, ये हमने साइड साइड में सारा बॉल चेन गोल्डन लगा दिया है और ये लेग भी लगा दिया। अब हम सारे यहाँ पे पाम सेट करेंगे। हमने ये देखिए ये कलाई पे हमने रेड पेन से जो है मार्किंग कर दिया है चूड़ी बनाने के लिए।
ये फर्स्ट हैंड में हम पाम लगाएंगे और ये स्ट्रेट लगाएंगे आशीर्वाद लुक में। और बाकी के पाम में हम जो है सारे जो है अस्त्र हम हाथ में लगाएंगे, तो उसी पोजीशन में हम इसको लगाएंगे। और इसके बाद से हम अपने माता रानी का ये आँख मुंह और नाक सारा बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा ये लिप्स और आइज तैयार हो गया। यहाँ हमने स्किन कलर का ही 1 mm का स्ट्रिप से एक छोटा सा हमने टीयर ड्रॉप तैयार किया है नोज के लिए, तो हम इसको स्टिप कर देंगे। ये देखिए ये हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पे हम आशीर्वाद पाम में हमने ओम बना दिया है। अब इसको हम यहाँ पे स्टिक करेंगे। तो पहले हम एक हमने यहाँ पे देखिए आसन तैयार किया है, ये येलो कलर का प्रिंटेड पेपर लेकर हमने इस पे स्ट्रिप से ही बॉर्डर बना दिया है। अब इसको हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पे लेग को ये इस तरह से ये इसको लगा देंगे और हम यहाँ पर ये इस तरह से हम इसको स्टिक कर देंगे। ये देखिए ये हमने स्टिक कर दिया है। अब हम यहाँ पे दुपट्टा लगाएंगे, तो इसके लिए हमने ये लेंथ के अकॉर्डिंग 5 mm का स्ट्रिप लिया है, इसको हम स्टिक करेंगे। ये वन साइड हम चौड़ा करते जाएंगे और वन साइड पतला, इसी तरह से करके हम कई स्ट्रिप एक साथ स्टिक करके हम दुपट्टा तैयार करेंगे। ये देखिए इसको इस तरह से स्टिक कर देंगे। इसको लगाने से पहले हम यहाँ पे हमने ये देखिए वन साइड स्क्वायर में करके हमने राउंड शेप में कट कर लिया है। और इसके बाद से हम इस पे येलो कलर का स्ट्रिप लगाएंगे। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे कि इसको हम स्ट्रिप को राउंड शेप में घुमा सकें। ये इस तरह से हम इसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे। और इसके बाद से यहाँ पीछे भी हम दुपट्टा लगा देंगे। और इसी तरह से हमने ये बना रखा है, यहाँ पे इसको कवर करते हुए फिर दुपट्टा लगा देंगे। ये देखिए ये हमने दुपट्टा लगा दिया है और ये पीछे का भी हमने कवर करके दुपट्टा ये
लगा दिया है। अब हम यहाँ पे हेयर बना रहे हैं। तो हमने पहले पीछे का ये पोर्शन, ये इस तरह से देखिए ब्लैक कलर से पहले कवर कर दिया था, फिर ये हेयर बना के लगाया है हमने। इसको हमने बनाने के लिए 3mm का ब्लैक कलर का स्टिप लिया है और ये हमारी नीडल है, इसी पर हम कर्ल हेयर बनाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से करके यहाँ पे हम अपने नीडल के ऊपर इसको रोल करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा कर्ल बन जाएगा। यहाँ पे हमने और भी बना रखा है, अब इसको हम इस तरह से यहाँ पे स्टिक करेंगे। थोड़ा सा हम ऊपर का इस तरह से प्लेट कर देंगे और उसके पास से इसी पर हम अपना फेविकोल लगा के पूरे में हमने ये देखिए हमने इसी तरह से ये पूरे में लगा दिया है। अब इसके बाद से हम माता रानी का मुकुट हम लगाएंगे। तो हमने ये देखिए यहाँ पे स्टोन और बॉल चेन मिला के ये हमने छोटा सा मुकुट तैयार कर लिया है। हम इसको यहाँ पर ये स्टिक कर देंगे। ये मुकुट लग गया है। अब इसके बाद से यहाँ पे हमने 5mm का येलो और 5mm का रेड स्ट्रिप लेकर ये हमने छोटा छोटा टीयर ड्रॉप बना के और उसको ट्रायंगल शेप में दे दिया। और ये एक रिंग हमने बनाया था ये पीछे यहाँ लगाने के लिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम रिंग बनाएंगे जितनी बड़ी हमारी मूर्ति है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे। ये इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे हमने ये रेड बॉल चेन, स्टोन चेन, ये सब ग्रीन बॉल चेन मिला के हमने एक माता रानी के लिए एक माला तैयार किया है। ये इस तरह से देखिए ये तीनों को हमने एक साथ ही स्टिक कर दिया है। इस तरह की माला अगर बनाने की प्रोसेस देखना हो तो हमने बाल गोपाल जी के लिए भी इसी तरह से हमने माला बनाया है, वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। ये इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब हम माता रानी के जितने हमने 8 भुजाएं बनाई हैं तो इसके लिए हम अस्त्र तैयार करेंगे। ये हम लोटस बनाएंगे पहले, तो इसके लिए हमने ये 1mm का स्ट्रिप ले लिया है, ये 11 सेंटीमीटर का। अब इससे हम एक छोटा सा टीयर ड्रॉप बनाएंगे। बहुत हल्का सा हम लूज छोड़ेंगे। ये इस तरह से अब सेम साइज में हमने ये एक और हमने लिया है, इसे हम आई शेप में बनाएंगे और लोटस का साइड पेटल का शेप देंगे। इसको हम हल्का सा इस तरह से गिर के इसी तरह से ये हमने एक और बना लिया। अब इसको हम स्टिक करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से लोटस बन गया हमारा। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा टाइट क्वाइल ग्रीन कलर का बनाया है और इससे एक हम लंबी सी कोन बना देंगे।
ये देखिए, ये लोटस हमारा बन गया। अब हम यहाँ पर ये गोल्डन कलर का हमने ये स्ट्रिप लिया है, 5 mm का है ये, इसको हमने डिवाइड करके हम इससे त्रिशूल बनाएंगे अपना। ये हमने डिवाइड करके यहाँ 7 cm का हमने स्ट्रिप कट कर लिया है। अब ये हमने कट करके हमने यहाँ पे 2-3 स्ट्रिप एक साथ स्टिक कर लिया है। अब इसको ये हम अपने त्रिशूल को इसी पर स्टिक कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से छोटा सा त्रिशूल बन गया है। अब हम धनुष बनाएंगे। तो धनुष बनाने के लिए ये हमने 4-5 स्ट्रिप जो है एक साथ स्टिक किया है, इसी से हम अपनी धनुष बनाएंगे। इसको हम धनुष का शेप देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से। अब इसमें यहाँ पे इस तरह से एक छोटा सा कट करके यहाँ पे स्टिक कर देंगे। ये देखिए, ये धनुष बन गया है। अब हमने ये 5 mm स्ट्रिप पर ही इस तरह से देखिए ये तीर के शेप में कट कर लिया है। अब हम गदा बनाएंगे। तो गदा के लिए यहाँ पे हमने 2 ये डोम शेप में बना लिया है, एक हमने थोड़ा सा पॉइंटेड रखा है और एक राउंड शेप में। इन दोनों को हम स्टिक कर देंगे। ये देखिए, ये स्टिक हो गया है। अब यहाँ पे हमने 5 mm से ये छोटा सा हमने टाइट कॉल तैयार किया है, इससे भी हम एक लंबी सी कोन तैयार करें। ये देखिए, ये हमारी गदा भी तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे हमने तलवार बनाया है। तलवार के लिए भी हम इसी तरह से हमने जैसे ये लंबी सी हमने कोन तैयार की, इसी तरह से लंबा सा कोन तैयार करके थोड़ा सा इसको हमने बैंड कर दिया है। ये देखिए, ये इस तरह से तलवार बन के तैयार हो गया है। इसमें भी हम नीचे छोटा सा स्टिक लगा देंगे। इसमें यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारी तलवार भी बनके तैयार हो गई। अब यहाँ पे हमने एक शंख बनाया है। ये देखिए, ये हमने छोटा सा एक जो है डोम शेप में बनाया है और इसके अंदर हमने एक टीयर ड्रॉप बना के इसको स्टिक कर दिया है। तो ये एकदम शंख का शेप आ गया है। देखिए, तैयार हो गए हैं सारे। और ये हमारी 8 भुजाएं हैं, इसमें से एक हमारा आशीर्वाद
पोज में है, बाकी में हम जो है इसको स्टिक कर देंगे। अब इसके बाद से ये हमने दो पाव बनाए हैं, ये देखिए इसमें हमने दो छोटे छोटे 3 mm के स्ट्रिप से दो टाइट कॉयल बनाकर एक साथ स्टिक कर लिया है, और उसके बाद से इसको दो राउंड घुमा दिया है और फिर छोटे छोटे टाइट कॉयल बना के हमने फिंगर के तौर पे इसको देखिए लगा दिया है। ये हमारी माता रानी का पाव तैयार हो गया है, इसको भी हम यहाँ पर स्टिक कर देते हैं। ये देखिए ये बनके तैयार हो गया है, हमने थोड़ा सा पैर में आलता जैसा लगा दिया है रेड कलर से। देखिए हमारी माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल आर्टिस्टी होम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।